वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स। और सुबह से पी रही है मायरा पानी और वो मोटू सोला है, ये छोटू पानी पी रहा है। छोटू पानी पी रहे हो, इसको दवाई वगैरह सब खिला दी है और मशका के भी लगा दी है। अच्छा मम्मी पास आना है, आ जाओ मम्मी पास बैठना है, बैठ जाओ मम्मी के पास। बाबू ये रात को क्या कर रहे हैं? मैं रात को मस्ती। ये ठीक है कि आप गाड़ियों में विसर्जन कर रहे हैं, ये सही बात है। जो एनिमल्स का तो नहीं हर्ट कर रहे ना, जो लोग एनिमल का हर्ट करते ना मुझे बहुत बुरा लगता है। बच्चे ना परेशान होके ना इधर उधर भाग रहे हैं, ये देखो इनके। सॉरी आ जा, लोग अंदर की तो भी घुसने देते ना ऐसे में कि बच्चा डर के जा रहा था। वो डर के इन पटाखों टाखों से डर रही है, ढोलकों से डर रही है। दया करो यार इन बच्चों पे, दया करो। गणपति विसर्जन ये भी सही था कि सिंपल सा ही किया है, किसी एनिमल्स को ले जाए बिना, मुझे ये अच्छा लगता है। बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखिए अभी थोड़ी देर जैसी हल्की होगी ना मैं ना खाना खिला के आऊँगी, क्योंकि तो बारिश और तेज ना हो जाए। अभी बहुत तेज हो रही है, देखो मेरे को तो पता होता है ना मेरे बच्चे कहाँ कहाँ होते हैं, फिर वहीं जाके मैं खिला के आ जाऊँगी, क्योंकि खिलाना तो देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए चलो पर कहाँ घूम रही है, चलो चलो। खाओ चलो, तो खा ले बेटा, तू तो आराम से खाता है, खा ले कोई नहीं आ। खाओ सनी, जाओ बेटा खाना खा लो, जाओ 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 जाओ, मैंने खाना रख दिया, खाओ। दीदी खा रही है ना, आप भी खाओ। खा ले बेटा, वो खा रही है आराम से, तू नहीं खाती। खा लो कोको आ गया खाना खाने, खा ले कोको, खा ले। उसकी मम्मी ना वहाँ पर खाना खा रही है, मैं वहाँ जाऊँगी ना वो खाना छोड़ देगी। खाओ चलो। बड़ी मुश्किल से भी खा रही है और उसका बेटा भी खा रहा है वहाँ पर, देखो चलो दोनों माँ बेटे खाना खा रहे हैं। चलो खाना तो खा लिया, खा लेटा, दोनों खा रही हैं, खा लेटा। बारिश हो रही है, पहले बारिश में दोनों को खाना खिला दो, खा ले बेटा, खा तो लिया बेटा, थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा खाओ खाओ खाओ। आप तो खा चुके हैं मिश्का, मेरा खाना खाती है, राम से खाती है, देखो कैसे कितना प्यारा बच्चा है मेरा। मारू हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस कर दे, मारू करते हैं हेलो गाइस, खा ले। अब खा चुके बेटा, अब खा चुके। ये देखिए फिर ये वहीं पर आके बच्चा बैठा हुआ है। मैं तो आज जगह जगह खाना और जगह भी रखाई थी बर्तनों में सूखा खाना, जिसमें ना कुछ मिलाया हुआ नहीं था ताकि ख़राब भी ना हो। और सोनी के लिए भी एक्स्ट्रा खाना इस गमले के पीछे ना एक उनका बर्तन रखा है, यहाँ पर रखा हुआ है। आज एक एरिया में पीसते हैं उनको, एक कर्टन होता है ना गत्ते का डब्बा होता है, उसमें रख के लोग छोड़ गए। अभी तो डॉग उन पप्पीज को रेस्क्यू करके रख लिया गया है। कौन सी एरिया का, किस एरिया का है, लोग कह रहे सीसीटीवी कैमरे में पता लगाएंगे, अभी तो उनको सेफ रख दिया। मैं देखूंगी भैया कैसे होता है क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना एक भाई साहब से हमारी बात हुई थी, वहाँ रखवा दिया है। पप्पी को रोड पे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको वहीं पर ना, मैंने सोचा कि हम मिला के खर्चा कर लेंगे और वहीं पर उन बच्चों को ना पाल लेंगे।
और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं मैं अपने यहाँ रख लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इनको अपने यहाँ रखोगे तो मैं इनके खाने का इंतज़ाम कर दूँगी। तो ऐसे ही मिलजुल के होता है, अकेले तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट डॉग होती है ना, इसीलिए वो काटती है क्योंकि उनके बच्चों को ना रिलोकेट कर दिया जाता है। तो मदर डॉग के बच्चों को रिलोकेट कर दिया, लोग पता नहीं कैसे होते हैं, किसी माँ के आहों से डर नहीं लगता इन लोगों को। कैसे एक माँ के बच्चे ये लोग दूसरे एरिया में या दूसरी जगह ऐसी जगह डाल जाते हैं जहाँ पर उनको खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको ना खाना ज़रूर दें। मैं बारिश में ना आज मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, और क्योंकि आज बच्चे ज़्यादातर गाड़ियों के नीचे छुपे हुए थे तो मैंने उनका खाना लेके सबका खाना उनकी गाड़ियों के नीचे ही डाल दिया। दो चार डॉग ही मुझे बाहर मिले थे, और बाकी तो आपको पता है मेरे इस एरिया के डॉग सारे ऑपरेट होने के लिए गए हुए हैं। तो बाकियों का ना मैंने जहाँ पर बारिश नहीं आती वहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में काफ़ी खाना रख दिया, चार पांच जगह। जो डॉग मुझे गाड़ी के नीचे दिखे थे तो मैंने उनका खाना गाड़ी के नीचे डाल दिया, खिला दिया था। तो वीडियो मैंने काफ़ी कम लोग डॉग के बनाए थे, तो आज छोटा सा ही फीडिंग का बना है। और क्योंकि दोपहर में तो पप्पी को हमें रेस्क्यू करने किया था, तो हम लोग मुझे लोग ना अक्सर ये पूछा करते हैं कि आप हमेशा ये बोलते हो कि इंडी डॉग्स अडॉप्ट करो, क्यों बोलते हो, क्या फ़ायदा है इंडी डॉग को अडॉप्ट करने का। मैंने उन्हें बताया कि इंडी डॉग एक तो सबसे कम खर्चे वाले होते हैं, ये हर मौसम में हर जगह में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इनके खाने के नखरे कम होते हैं, इनको रेबीज़ का भी इंजेक्शन लगवा दो और K9 का इंजेक्शन लगा दो, यही बहुत है इनका। वो आप कुछ भी खिलाओगे तो ये ना रह लेते हैं, इसके लिए स्पेशल आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता है। और बहुत क्यूट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, घर के पेट डॉग से ज़्यादा ये समझदार होते हैं। इनको स्ट्रगल करना आता है, रोड क्रॉस करना आता है, इनको सब कुछ करना इंसानों की तरह आता है। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि प्लीज़ स्ट्रीट डॉग को ही अडॉप्ट करें। हमारे भी जो पप्पी हैं हम उनके लिए भी कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको अडॉप्ट करें, बहुत ही फ़ायदे हैं इनको अडॉप्ट करने के लिए। प्लीज़ अगर आप इन्हें अडॉप्ट करते हैं तो इनका साइज़ बड़ा होने पे इनको रिलोकेट ना करें, इनको रोड पे ना छोड़ें दोबारा। अगर एक बार अडॉप्ट करते हैं तो प्लीज़ इनकी पूरी लाइफ तक इनकी सेवा करें, इनकी सेवा से बड़ा कोई भी काम नहीं है। पशुपतिनाथ सिर्फ तो इनकी सेवा से ही खुश हो जाते हैं। बस यही कहूँगी कि इंडी डॉग अडॉप्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम किसी एक की ज़िंदगी को संवार सकते हैं, सारे डॉग्स की नहीं तो एक डॉग्स की तो ज़िंदगी अगर हम संवार लें, यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तो अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग्स। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।